नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांगड़ा की हलेड़ कलां पंचायत में दोबारा होगा प्रधान पद के लिए चुनाव। सड़क सुरक्षा पर स्कूलों में होगी पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा 5,000 इनाम। अब एक और हफ्ता बाहर से नहीं ला पाएंगे मुर्गी व मुर्गी उत्पाद, आयात पर लगी रोक बढ़ी। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल, 1,208 पंचायतों में होगी वोटिंग। 200 कॉलेज प्रिंसिपल के दस्तावेजों की होगी जांच, आयोग के पास पहुंचा डाटा। पंचायती राज चुनावों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सीएम नहीं एसडीएम दिलाएंगे शपथ। हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में लाएं तेजी, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। चुनाव खत्म होते ही करवट लेगा मौसम, हिमाचल में 23 से बारिश बर्फबारी। अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज चुनावों के पहले चरण में विकासखंड कांगड़ा की 18 पंचायतों के चुनाव हुए, जिसमें हलेड़ कलां के प्रधान पद का चुनाव विवाद के कारण दोबारा होगा। विवाद के बाद निर्वाचन अधिकारी व उपमंडल अधिकारी अभिषेक वर्मा ने कहा, पंचायत में प्रधान पद का चुनाव 21 जनवरी को होगा। उपमंडल अधिकारी अभिषेक वर्मा की मौजूदगी में हलेड़ कलां में जब प्रधान पद के मतों की गिनती शुरू हुई तो कभी मतों की संख्या कम तो कभी ज्यादा हो गई। ऐसे में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मतगणना में मतों की गिनती में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद पंचायत में प्रधान के चुनाव को निरस्त कर 21 जनवरी को फिर से आयोजित करवाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए गए सड़क सुरक्षा अभियान में स्कूली बच्चे भी अपना रोल निभाएंगे। यह अभियान आगामी 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। स्कूलों के बच्चे पेंटिंग और निबंध लेखन के माध्यम से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश देंगे। कोरोना के खतरे के बीच यह प्रतियोगिताएं ऑनलाइन ही आयोजित करवाई जाएंगी। परिवहन विभाग शिक्षा विभाग के साथ मिलकर सभी सरकारी स्कूलों में इस प्रतियोगिता को आयोजित करेगा। इसमें पेंटिंग प्रतियोगिता का थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखा गया है। वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम तय किया गया है। स्कूल स्तर पर अव्वल रहने वाले छात्रों के नाम जिला स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए भेजे जाएंगे। 5 फरवरी से पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होगी। 17 फरवरी तक जिला से विजेताओं के नाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजने होंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिताओं की तिथि तय की जाएगी। जिला स्तर के आयोजन के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की तिथि भी तय होगी। स्कूली बच्चे अपनी पेंटिंग और निबंध के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए ऑनलाइन जानकारी देकर प्रेरित करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले छात्रों को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे पुरस्कार के तौर पर 4,000, तृतीय आने पर छात्र को 3,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा 1,000 रुपए सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 50 अन्य छात्रों को भी मिलेगा। निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले स्कूल स्तर पर प्रिंसिपल इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 18 जनवरी 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी व मुर्गी उत्पादों के परिवहन पर अस्थायी रूप से लगाई रोक को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। मंत्री ने कहा, प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 17 जनवरी 2021 को केवल 21 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को पंचायती राज चुनावों के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 1,208 पंचायतों के लिए मतदान होना है। इनमें सबसे ज्यादा कांगड़ा जिला में पंचायतों के लिए चुनाव होगा। वहीं दूसरे स्थान पर मंडी जिला है, जिसमें 188 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। पंचायती राज चुनावों के पहले चरण के लिए प्रदेश के 1,227 पंचायतों में मतदान करवाया गया था। वहीं दूसरे चरण में 7,160 पोलिंग पार्टियां 1,208 पंचायतों के लिए मतदान करवाएंगी। तीसरे चरण में 6,457 पोलिंग पार्टियां 1,137 पंचायतों में मतदान करवाएंगी। 22 जनवरी को जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों के चुनावों की मतगणना होगी। मतगणना के तुरंत बाद इनका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब निजी कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच शुरू कर दी है। निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने जांच कमेटी के साथ बैठक आयोजित की। प्रदेश के करीब 200 निजी कॉलेजों में से 100 कॉलेजों ने अपना रिकॉर्ड भेज दिया है। अब इन कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की योग्यता की जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जाँच के दौरान यदि प्रधानाचार्य की नियुक्ति नियमों के तहत नहीं पाई जाती है तो ऐसे में संबंधित प्रधानाचार्य पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा बाकी जिन 100 निजी कॉलेजों ने अब तक अपना रिकॉर्ड नहीं भेजा है उन्हें भी 10 दिनों के भीतर अपनी जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज चुनावों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि संबंधित विकास खंडों के SDM ही शपथ दिलाएंगे। प्रदेश के नवगठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठक 27 जनवरी 2021 को होगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 128 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी है। इस बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड पंचों को शपथ दिलाएंगे और ग्राम पंचायत अन्य स्थानीय विषयों पर भी चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को जिला मंडी के कंगनीधार, जिला कुल्लू के सासे, जिला सोलन के बद्दी तथा शिमला के रामपुर और शिमला में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को इनका शीघ्र लाभ मिल सके और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधा दी जा सके। मुख्यमंत्री उड़ान 2 स्कीम के तहत हेलीपोर्ट के निर्माण से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हिमाचल में पंचायती राज चुनाव 22 जनवरी को खत्म होने हैं, मतदान 21 जनवरी को पूरा हो जाएगा, लेकिन 22 जनवरी को पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणाम घोषित होने हैं। पंचायत चुनाव के समाप्त होने तक मौसम भी साथ देगा। चुनाव खत्म होते ही प्रदेश में मौसम करबट बदल लेगा। 23 से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है।